हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई वेलकम यू ऑल टू टॉपिक स्टडी यूट्यूब चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14 दिसंबर की डेली करंट अफेयर्स क्विज़। देखिए, ये वीडियो आपको रोज़ाना 7 से 8 बजे के बीच में मिल जाया करेंगी, मिल जाया करती हैं, बिकॉज़ ये 7 से 8 के बीच में ही अपलोड होती है। अगर आपको कभी नोटिफिकेशंस ना आए तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हो। एंड आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इस रेड बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में जीन मॉनेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का उद्घाटन किया गया है? वो कौन सा राज्य है जहाँ जीन मॉनेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, जो कि ये सेंटर जो है ना, ये हमारे भारत में पहला ऐसा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है जीन मॉनेट का, तो ये उद्घाटन किया गया है हमारे कर्नाटक राज्य में। ठीक है, और देखिए ये यूरोपीय संघ द्वारा स्थापित है, तो ये इसका उद्देश्य ये होगा कि ये भारत और यूरोपीय संघ के बीच में जितने भी शैक्षणिक संबंध होंगे उसे ये और भी मजबूत बनाएगा और उसे वो और भी बढ़ावा देगा। तो ऑप्शन हमारे क्या होगा, डी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परियोजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पत्रकारिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परियोजना जो है, इसमें गूगल ने साझेदारी की घोषणा की है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, इसके तहत गूगल ने इसके साथ साझेदारी करके इसके लिए घोषणा की है कि इन्होंने पत्रकारिता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लॉन्च किया है। ऑप्शन हो गया ए गूगल। इसमें क्या होगा ना कि ये परियोजना जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जितनी भी प्रतिक्रिया प्रतिच्छेदन होती है उन पर, जैसे समाचार स्टूडियो के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण पर ये ध्यान केंद्रित करवाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे क्या होगा, ए गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शहर में नौसेना डॉकयार्ड में अपनी पहली डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल प्रणाली शामिल की? देखिए, हमारी भारतीय नौसेना ने किस शहर में नौसेना डॉकयार्ड में अपनी पहली डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल प्रणाली शामिल की है? तो ये हुई है मुंबई में। देखिए, मुंबई में हमारी जो इंडियन नेवी है उनके द्वारा ये जो डॉकवेट में अपनी इन्होंने पहली डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल को शामिल किया है। तो इसके तहत ये होगा कि पनडुब्बी में जितने भी फंसे चालक होते हैं या चालक दल होते हैं पनडुब्बी में, तो उन्हें ये बचाने का काम करेगी जो खुद को बचाने में समर्थ नहीं होते। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये DSRV प्रणाली जो हमारे देश में आ गई है, इससे ये हुआ है कि कुछ देशों में ये DSRV प्रणाली जो है ये शामिल है। तो ये अच्छी बात है कि अब इसमें हमारा भारत भी शामिल हो गया, DSRV प्रणाली को इन्होंने हमारे भारत ने भी शामिल कर लिया है। और देखिए, इस DSRV में 650 मीटर की गहराई पर ये संचालित की जा सकती है, मतलब 650 मीटर तक की गहराई तक ये जा सकती है। और इसका इसमें लगभग मतलब 15 लोग आराम से आ सकते हैं, 15 व्यक्तियों की इसमें क्षमता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा ये मुंबई में हुई है, तो ऑप्शन हमारे हो जाते हैं ए मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्रालय द्वारा ट्विटर हैंडल @cyberdost लॉन्च की गई है? ट्विटर हैंडल @cyberdost जो है ये गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। गृह मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह जी। अब देखिए, इनका उद्देश्य इसके पीछे क्या है कि साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए सावधानी बरतना तो बहुत ज़रूरी है, तो उस सावधानी को कैसे बरता जाए, उसके लिए लोगों को जो बुनियादी जितनी भी ज़रूरतें हैं, बुनियादी जितने भी ज्ञान है उसको बढ़ावा देना है। ठीक है, इस ट्विटर हैंडल @cyberdost के तहत इससे क्या होगा कि साइबर अप्रोच के कारण जितने नुकसान जो होते हैं वो भी कम हो जाया करेंगे। तो ये सारी उद्देश्य है इस ट्विटर हैंडल @cyberdost की, तो ये ध्यान रखिएगा, ये गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं बी गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सरकार में अनक्राउंड ग्लोरी सॉरी किस शहर में अनक्राउंड ग्लोरी हिमाचल प्रदेश के प्रजातीय गहनों की एक प्रदर्शनी नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए, जैसे कि आप लोग देख सक रहे हो, अनक्राउंड ग्लोरी हिमाचल प्रदेश के प्रजातीय गहनों की ये एक प्रदर्शनी है और इनका उद्देश्य यही होता है। तो पहली चीज़ तो ये देख लीजिए कि ये प्रदर्शनी जो हुई है ना, ये किस शहर में हुई है? तो ये अब हिमाचल प्रदेश देख के लग रहा होगा हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये नई दिल्ली में हुई है। हमारे ऑप्शन हो गए ए नई दिल्ली। एंड इसमें क्या हुआ कि
हिमाचल प्रदेश के जितने भी वहाँ के विभिन्न विभिन्न समुदाय हैं और जितने भी क्षेत्र हैं ना, वहाँ से चांदी और सोने के गहनों का एक उत्कृष्ट संग्रह होता है और उनकी यहाँ प्रदर्शनी लगती है। तो ये चीज़ें हो गई नई दिल्ली, ऑप्शन हो गए ए। और ये देखिए 11 दिसंबर को ये शुरू हुई है और 31 दिसंबर को ये समाप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन मिनिमम वेज किस शहर में शुरू हुआ है? ऑपरेशन मिनिमम वेज जो है ये आपकी नई दिल्ली में शुरू हुई है, दिल्ली सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया है। और मिनिमम वेज जो है इसमें क्या होगा कि इस नियम के तहत मान लीजिए कोई नियोक्ता है और अगर वो न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं कर पाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है या वो 3 वर्ष की जेल का सामना कर सकता है। समझ आ रही? मान लीजिए कोई नियोक्ता है, अब उसे मजदूरी देनी है मगर वो न्यूनतम मजदूरी का भी भुगतान नहीं कर पा रहा है तो उसे या तो जुर्माना लगेगा या फिर उसे जेल में डाल दिया जाएगा इस ऑपरेशन मिनिमम वेज के तहत। तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है। आपके ऑप्शन हो जाते हैं डी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिथो इलीमा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सब ध्यान रखिएगा। मिथो इलीमा सर्वोत्कृष्ट रानी, ठीक है, मतलब सर्वोच्च, सबसे ऊपर जो रानी, सर्वोत्कृष्ट रानी मिथो इलीमा का शीर्षक से किन्हें सम्मानित किया गया है? सर्वोत्कृष्ट रानी मिथो इलीमा इस शीर्षक से, इस टाइटल से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये है मैरी कॉम, जो कि मणिपुर की रहने वाली हैं। इन्हें सर्वोच्च, एक तरह से समझ लीजिए एक सर्वोच्च रानी के रूप में सम्मानित किया गया है क्योंकि इन्होंने जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन हुई थी 2018 वाली, आप सबको याद होगा कि उसमें उन्होंने 6ठा स्वर्ण पदक जीता है, उसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है और साथ ही साथ इन्हें मिथो इलीमा का टाइटल दिया गया है। तो याद रखिएगा ये जो मिथो इलीमा का टाइटल है ये मैरी कॉम को मिला है। मैरी कॉम मणिपुर की रहने वाली है, मणिपुर के मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे महिला टेनिस एसोसिएशन कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार के पहले विजेता के रूप में चुना गया है? महिला टेनिस एसोसिएशन के कोच ऑफ द ईयर के पहले विजेता जो है ये चुने गए हैं सच्चा बाजिन, ऑप्शन है बी सच्चा बाजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया? देखिए ये हमने सेलिब्रेट किया है 12 दिसंबर को, ऑप्शन हो जाते हैं ए 12 दिसंबर। एंड इस अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस को मनाने के पीछे में उद्देश्य ये है कि जितनी भी स्वास्थ्य प्रणाली है ना वो बहुत ही मजबूत हो जाए और बहुत ही लचीले ढंग की हो ताकि हर लोग इसे अडॉप्ट कर सके और ये सबों के हित में हो। मान लीजिए वो स्वास्थ्य प्रणाली बहुत ही मजबूत और बहुत ही लचीली होगी तो ये सबके हित में होगी और इसके बारे में ही जागरूकता फैलाना, इसके तहत हम ये सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 12 दिसंबर को, ऑप्शन हो गए ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया गया? तो ये भी हमने सेलिब्रेट किया है 12 दिसंबर को। इसके पीछे क्या उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तटस्थता के मूल्य के बारे में बताना है और जन जागरूकता को बढ़ाना है। 2017 में ही इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और पहली बार ये 12 दिसंबर 2017 को ही मनाया गया था। तो ऑप्शन हमारे क्या हो गए? ए 12 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, ऑनलाइन पोर्टल, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके बारे में मैं बता रही हूँ एनश्योर, इसे किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? एनश्योर ऑनलाइन पोर्टल जो है ये कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है और देखिए कृषि मंत्रालय ने इसे 12 दिसंबर को लॉन्च किया गया है। मतलब मान लीजिए इनके पीछे है ये है कि लाभार्थी को प्रत्यक्ष और हस्तांतरण से जोड़ने और एक सरल, उपयोगी और पारदर्शी प्रणाली प्रदान करने के लिए इस ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया गया है मंत्रालय के द्वारा और ये नाबार्ड के द्वारा विकसित किया गया है। नाबार्ड बैंक जो है और एक तरह से समझ लीजिए कि सूचना और धन का जो प्रवाह है इससे तेज होगा, ये इनका उद्देश्य है इसे लॉन्च करने का। तो ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन पोर्टल जो एनश्योर है ये कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन हो जाते हैं सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, किस मंत्रालय के द्वारा कला उत्सव राष्ट्रीय प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया है? तो कला उत्सव राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन है डी। और ये नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है और इसके तहत इनका उद्देश्य था कि
पहली बात तो ये समझ लीजिए कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इनके तहत जितनी भी कला है ना, कलात्मक प्रतिभा को ये बढ़ावा देना चाहते हैं, जागरूकता फैलाना चाहते हैं। और इस मानव संसाधन विभाग ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ये एक पहल है, इनके द्वारा ये चाहते हैं कि कलात्मक प्रतिभा जो है वो भी उभर कर सामने आए। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, किस मंत्रालय द्वारा पोर्ट सामुदायिक प्रणाली PCS 1X लॉन्च किया गया? तो देखिए, PCS 1X जो एक पोर्ट सामुदायिक प्रणाली है, ये लॉन्च की गई है शिपिंग मंत्रालय के द्वारा। और ये प्रणाली क्या करेगी कि व्यापार के जितने भी सीमा शुल्क विभाग है ना, उनके साथ बेहतर संचार करने में ये सक्षम करेगी। PCS 1 जो लॉन्च की है इसके तहत।